तो गाइज ये है अजमेर का गांधी सर्किल और उसके जस्ट पीछे है अजमेर जंक्शन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरतान एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो इट्स डे टू इन अजमेर और आज हम अजमेर की बहुत ही फेमस जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, डेट इज़ अजमेर की दरगाह, हज़रत अली दरगाह। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोग आए हुए भी होंगे। जो यहाँ पे अजमेर आए तो वो ज़रूर एक बार तो दरगाह जाके आते हैं। तो अपन भी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको सबको दिखाऊंगा अंदर से दरगाह। और वहाँ पे मैंने सुना है एक बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें एक साथ बहुत लोगों का फूड बनता है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आज थोड़ी ज़्यादा धूप हो गई है, कल इतनी नहीं थी, तो आज डे टू है तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो दो तीन जगह आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं अजमेर में, तो फटाफट चलते हैं और फिर घर भी निकलना है आज ही हमको, तो लेट्स गो। जयपुरी, ये तो पूरा जयपुरी बना हुआ है भाई साहब, सेम टू सेम जयपुर जैसी गलियां हैं यहाँ तो पूरी। सही तो चल रहे ना, अपन पूछ ले भाई एक बार। अरे आ जा रहे हैं, पूछ खा दे, 5-10 मिनट। अंकल दरगाह किधर है? सीधे एक बार वापस अंकल जल्दी जाओगे तो 5 मिनट में आएगा, पहुँचेगा और आराम आराम से जाएगा, 10 मिनट में जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? आप लोग कहाँ से आए बाबू? जयपुर से आए अंकल। ओ भाई जयपुर भाई, तो आते जाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ का रोज का आना जाना, आज कॉलेज का बच्चा जा रहे हैं। हाँ वो कल का पेपर था। हाँ नहीं आज का भी तो है ना पेपर, आज का भी, कल नेट सारे दिन बंद हुआ। हाँ बिल्कुल। गाइस अगर अभी तक आपने अजमेर, इस अजमेर सीरीज़ का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके एपिसोड 1 देखो जिसमें मैंने पुष्कर को कवर किया था। ऊपर यहाँ पे लिंक आ रही है, उस पर जाके टैप करो और पहले वो एपिसोड देख के आओ, उसके बाद ये एपिसोड देखना दरगाह का। पहुँच चुके हैं यहाँ पे दरगाह और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया अच्छे से। और ये है मेन गेट दरगाह का, देख सकते हो आप, बाजू में बहुत सारी शॉप्स वगैरह है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। तो ये मेरे पीछे जो है ये है दरगाह और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे चारों तरफ, मतलब यार। तो अभी फटाफट अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे, अभी रुमाल बांधना पड़ेगा सर पे, बिना रुमाल के यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो पहले रुमाल बाय करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद अंदर चलते हैं। ये ख्वाजा साहब के दरबार की दो देगें हैं जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं। ये छोटी देग है, इसमें 60 मन खाना पकता है और जो सामने है वो बड़ी देग है, वो जस्ट इसकी डबल है, उसमें 120 मन खाना बनता है। तो अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोग्राम तो बनता है बड़ी देग में और 2500 किलोग्राम बनता है छोटी देग के अंदर। इसके अंदर मीठे चावल और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के जिस तरह से ज़रदा होता है उस तरीके से इसका खाना पकता है और वो सबके अंदर जितने भी आने वाले ज़ायरीन हैं उनमें तकसीम होता है। बिल्कुल प्योर वेज खाना होता है ये, इसमें किसी तरह के और दूसरा कोई खाना नहीं पकाया जाता है, सिर्फ यही खाना पकाया जाता है। ये छोटी वाली देग जो है ये जहांगीर बादशाह की चढ़ाई हुई है और बड़ी देग जो है वो अकबर बादशाह की चढ़ाई हुई है। अकबर बादशाह के जब लड़का हुआ, जहांगीर पैदा हुआ, तो वो आगरा से नंगे पैर पैदल यहाँ आए थे हुजूर गोविंद नवाज की बारगाह में और उन्होंने ये तब बड़ी देग चढ़ाई थी और साथ में ही बड़ी देग से लगी हुई एक अकबरी मस्जिद है, वो मस्जिद की भी तामीर कराई थी। और कुछ अंकल दरगाह के बारे में, डेली के कितने लोग आते हैं यहाँ पे? फोन उठाओ, फोन उठाइए। और क्या क्या पूछना, सारे एक साथ बता दो, मैं सारे कंटिन्यू बताता रहूँगा। हाँ,
डेली पे कितने लोग आते हैं अंकल यहाँ पे? डेली अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20,000 से 30,000 लोग डेली यहाँ रहते हैं, और जो मेन ओकेशन होते हैं उसमें भीड़ और बढ़ जाती है, और स्पेशली जो गरीब नवाज का उर्स रजब महीने में होता है तब यहाँ पर लाखों लोग गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ खासियत इधर की गरीब नवाज की बारगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत का इंसान हाजिर देने हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अपनी झोलियाँ फैलाने और मन्नत मुरादें पूरी पाने के लिए यहाँ आते हैं, और गरीब नवाज के दरबार से सबकी मन्नत मुरादें पूरी होती हैं। तो हम भी हमारी मन्नत मान के जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, आप भी अपनी मन्नत मान के जाएं। गरीब नवाज कामयाबी के साथ दोबारा फिर ज़रूर बुलाएंगे आपको इंशाल्लाह। धन्यवाद अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2500 किलो की? हाँ, ये 2500 किलो। ये जो पूरा केवल प्योर वेज बनता है, नॉन वेज नहीं बनता इसमें। और एक अभी वहाँ पे 5000 किलो की है, तो उस साइड चलते हैं एक बार, उधर का भी देखते हैं। भाई काफ़ी बहुत बड़ी जगह है यार। तो ये है जिस ये अकबर ने बनाई थी, ये अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर बड़ी देगी, ये अकबर बादशाह ने बनाई थी, मुगल एम्परर ने। इसके अंदर 4800 किलो सिर्फ स्वीट राइस बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे दरगाह के अंदर हर धर्म का, हर तरीके का आदमी, हर मज़हब का आदमी आता है, तो इसलिए सिर्फ मीठा इसके अंदर बनाया जाता है। और ये अकबरी देख भी कहलाती है, वो छोटी है, और जहांगीरी देख कहलाती है। तो ये है वो 5000, जिसमें 4800 किलो ऑफ अप्रोक्सीमेटली फूड बनता है, मीठा चावल जो सब में बढ़ता है, और हर कास्ट के लोग खा सकते हैं वो, क्योंकि वो प्योर वेज होता है बिल्कुल। बंद कर दिया गया था तो उनके एक मुरीद थे, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर पानी बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद से बोलते हैं कि एक प्याला था, वो प्याला लेकर के जाओ, आना सागर को बोलना पानी मांगे ख्वाजा गरीब नवाज। वो पानी, पूरा आना सागर का पानी उनके प्याला में आ गया, वो आना सागर सूख गया। फिर जब उस टाइम के जो लोग थे उन लोग बोले कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में आकर के बोले कि आना सागर सूख गया है, तो ख्वाजा गरीब नवाज का वो फिर से प्याला ले जा करके आना सागर में डाला गया, और फिर पानी पूरा भर गया। तो अब यहाँ पे हमको हाथ मुँह धो के, ये वजू खाना बोला जाता जी। हाँ, इसके बिना एंट्री नहीं है। आप नहाए में फिर से कर लें, कोई मसला ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे हाथ मुंह धुल चुके हैं, और अभी अपन मेन जो जगह होती है दरगाह में वहाँ चलेंगे और दर्शन करते हैं, और मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ और चीज़ें। तो चलते हैं अभी अंदर। हमने भी दामन है पसारा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली। तो गाइस अभी हम दरगाह से बाहर आ चुके हैं, और काफ़ी मस्त प्लेस थी, बहुत अच्छा लगा अंदर जाके भी। और अगर शाम को आते तो मीठे चावल जो वहाँ का, मतलब जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो 4800 किलो की कढ़ाई में जो मीठे चावल बनते हैं वो खा के चलते हैं, बट शाम तक का हमारे पास है नहीं, शाम को तो हमको जयपुर के लिए निकलना है। तो एपिसोड 2 को यहीं पर एंड करते,
तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये प्लेस और दरगाह, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी हम जा रहे हैं एपिसोड 3 बनाने अजमेर का, तो जल्दी मिलते हैं एपिसोड 3 में। जब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय। और हमको हमारे एक जयपुर के भाई मिले हैं। क्या नेम है आपका? सुशील। तो इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है जयपुर के, ये यहाँ पे मिले।